आज जम्मू काश्मीर श्रीनगर में तीन दिनिया जी ट्वेंटी सम्मेलन आरंभ हो जी ट्वेंटी अंतर्जातीय कार्यक्रम में षाठी अधिक प्रतिनिधि जोग देउथुवा बेले कड़ा सुरक्षा व्यवस्था ग्रहण करा जायछि। श्रीनगर सम्मेलन समस्ते समस्त कार्यक्रम यथारीति हेबो एवं जी ट्वेंटी प्रतिनिधि दल गुलमार्ग गस्त कार्यक्रम को बातिल करा जायछि। प्रतिनिधि दल गुलमार्ग बदल में अन्य केतेक स्थान को गस्त करिवे। गुलमार्ग में 26/11 मुंबई आक्रमण भली कांड करने को पाकिस्तानी गुइंदा संस्था आईएसआई और पाक आतंकवादी बड़ षड्यंत्र पर्दाफाश हो। गुलमार्ग में जैस और हिजबुल आतंकवादी बड़धरण आक्रमण योजना नहीं गुइंदा रिपोर्ट मिलवा पर तलाशी अभियान व्यापक हो। पाक आतंकवादी को किसी स्थानीय बासिंदा सहयोग जगा जमापड़ आतंकवादी पाखे अस्त्र पहुंचाइवा और सेम सुरक्षा बाहन गतिविधि संपर्क में जनवाई नियोजित एक नेटवर्क पर्दाफाश हो। श्रीनगर में समस्त संवेदनशील अंचल पर सीसीटीवी और ड्रोन मध्यम नजर रखी। मेराइन कमांडो और एनएसजी को सुरक्षा कार्य नियोजित कर मेराइन कमांडो को डाल ह्रद और शेर ए कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में मुतयन कर पुलिस और अर्धसामरिक बाहन सह एनएसजी मान पूरा अंचल सुरक्षा दायित्व अर्पण कर जी ट्वेंटी पर्यटन कार्यगोष्ठी यह सम्मेलन को सुरक्षित आयोजन करने सरकार बड़ चैलेंज हो। 2019 में जम्मू काश्मीर स्वतंत्र मान्यता प्रत्याहार सह यह दुईट केन्द्रशासित अंचल में परिणत होनुषित होता सबुठ बड़ अंतर्जातीय कार्यक्रम। भारत काश्मीर नीति को विरोध कर आसुवा चीन और तुर्की यह सम्मेलन में जोग दे बेले साउदी आरब ना पंजीकरण कराए ना। G20 को हम पहले वेलकम करते हैं, तमाम हिंदुस्तान ने इसको वेलकम किया है और कश्मीर में आज हम जहलम के किनारे सुबह सुबह ही बैठे हैं। पहली किरण की रोशनी जो है यहाँ से ही ये डेलीगेट्स का काफिला जाएगा और हम वेलकम कर रहे हैं। एक महीने से कि यहाँ के आर्टिस्ट, जम्मू कश्मीर के आर्टिस्ट इस तैयारी में है कि हमारे मेहमान आएंगे और उनके सामने हम अपनी सभ्यता अपने कल्चर को पेश करें। तकरीबन 400 आर्टिस्ट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दो दिन में बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं SKICC में, बाकी होटल्स में। एक हमारे आर्टिस्ट के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है दुनिया भर के डेलीगेट्स के सामने फन को पेश करना, उनके साथ गुफ्तगू करना, उनके साथ मिलना। दहाइयों से कुछ बुरी खबरों के जरिए जाने जाते थे, लेकिन अच्छी चीजें हो रही हैं और ये एक गैर मामूली इजलास है। सारी दुनिया के सामने हमारी छवि जो है खराब हो गई थी, हमें पहचाना जाता था एक डिस्टर्ब्ड प्लेस के तौर पे। हमारे सूफिया की तालीमात, हमारे आर्ट कल्चर, हमारी स्ट्रेंथ्स जो थी वो पीछे रह गई थी कहीं पे।